बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव कर रहे हैं। आज हमारा चैप्टर है मनी, और हमारा आज का लेक्चर भी स्टार्ट मनी से ही होगा। और इसका जो टॉपिक हमने स्टडी करना है वो है बार्टर सिस्टम या बराह रास्त वादा का निज़ाम। अक्सर बच्चों को इसका मीनिंग बार्टर का पता होगा। जब इंसानी तारीख को हम स्टडी करते हैं तो क्या था कि पहले वो केव्स में रहता था, गारों में रहता था। वहाँ उसकी ज़रूरियात बड़ी महदूद थी। हंटिंग करता था वाइल्ड एनिमल्स की फूड के लिए और अपनी क्लॉथिंग के लिए पत्ते और उनकी स्किन, एनिमल्स की स्किन, खाले वगैरह यूज़ करता था। और बड़ी महदूद ज़रूरियात थी उसको, बस खाया, क्लॉथिंग और सोना, बस इसके अलावा और उसकी ज़रूरियत नहीं थी। तो लेकिन वक्त के साथ साथ थोड़ा सिविलाइजेशन की तरफ आए, सिविलाइज हुए, थोड़े महजब होते चले गए, गारों को उन्होंने छोड़ा और कबीलों की शक्ल में रहना शुरू कर दिया। ये इंसानी तहजीब के अगला पहलू, आहिस्ता आहिस्ता कबीलों की शक्ल में उन्होंने रहना शुरू कर दिया। फिर उनकी ज़रूरियात में भी तब्दीली आ गई। अब उनको रहने के लिए जो थी रहाइश की ज़रूरत थी, पहनने के लिए क्लॉथिंग की ज़रूरत थी। और इस तरह जब उनकी ज़रूरियात बढ़ती गई तो एक दूसरे पे डिपेंडेंस बढ़ती गई, क्योंकि सारी ज़रूरियात जो है इंसान खुद नहीं पूरी कर सकता था। गारों के दौर में वो अपनी ज़रूरियात खुद ही पूरी कर रहा था, सिर्फ सेल्फ डिपेंडेंट था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी ज़रूरियात जब तहसीब की तरफ आया तो उसकी ज़रूरियात बढ़ती गई, उसके दूसरे लोगों पर डिपेंडेंस या इसार जो है वो बढ़ता चला गया, क्योंकि काफ़ी उसकी ज़रूरियात जो है पहले महदूद थी, तो फिर जो जो अगली ज़िंदगी में आया वसी होती चली गई। तो इसके लिए जब वो दूसरों पे डिपेंड करता था तो उसे जब सारी ज़रूरियात खुद वो पूरी नहीं कर सकता तो उसे दूसरों से लेनी पड़ती थी। तो वो किस निज़ाम के तहत ले, शुरू में कैसे एक दूसरे से चीज़ें लेते थे कि लोग जो चीज़ें खुद बनाई वो दूसरे को दे दी और जो उसने बनाई उनसे ले ली। तो इसे कहते बार्टर का आगाज़ हुआ या बराह रास्त तबादला का निज़ाम शुरू हुआ, और लोगों ने गुड्स के साथ एक्सचेंज करना शुरू किया, जिसको बार्टर या बराह रास्त तबादला का निज़ाम कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, मिसाल हम लेते हैं कि एक शख्स गंदम पैदा करता है, वीट ग्रो कर रहा था, उसे राइस की ज़रूरत या उसे कपड़ों की ज़रूरत है। तो वो ऐसे शख्स को ढूंढता जो कपड़ा पैदा कर रहा है या चावल पैदा कर रहा है, और उसे वीट के बदले में, गंदम के बदले में जो है वो उसकी ज़रूरत की चीज़ दे दे। तो यही बार्टर था, इसे बराह रास्त तबादला या बार्टर का निज़ाम कहते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये चीज़ें ख़राब होने वाली थी, तो वो ऐसी चीज़ की तलाश में थे जो इन चीज़ों के बदले में वो दे सके और सबके लिए एक्सेप्टेबल या काबिल कबूल हो, और अपनी ज़रूरत की अशिया का जो लेन देन है या एक्सचेंज ऑफ गुड आपस में करना है वो उसको उस एक्सेप्टेबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज की मदद से कर सके। तो चूंकि बार्टर में उन्हें बहुत सारी मुश्किलें पेश आ रही थी, वो इस चीज़ से निजात हासिल करना चाहते थे, कोई ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज चाहते थे जिसकी मदद से वो अशिया का तबादला की बजाय कोई और मीडियम ऑफ एक्सचेंज लेते, और उसके थ्रू जो है वो एक दूसरे से अपनी अशिया का तबादला कर सकते। तो बार्टर सिस्टम जब उन्होंने शुरू किया, अशिया का अशिया से तबादला करते थे, जो मनी की ज़रूरत महसूस हुई, क्यों हुई कि उस बार्टर सिस्टम में अशिया के अशिया से तबादले में बहुत सारी मुश्किलें थी। तो वो कौन सी मुश्किलें थी? द फर्स्ट प्रॉब्लम फेस बाय देम वॉज द लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ सर्टन फॉन्ट्स, कि अशिया की जो दो तरफा अदम मुताबकत थी, दो तरफा अदम मुताबकत या कोइंसिडेंस से क्या मुराद है ये भी हम समझते हैं। जैसे दो अशखास हैं, एक अगर गंदम पैदा कर रहा है उसको कपड़े की ज़रूरत है, तो वो ऐसा शख्स तलाश करेगा जो कपड़ा बुनता हो और उससे गंदुम लेना चाहता। अब अगर कोई उसे ऐसा शख्स मिल गया जो कपड़ा तो बना रहा है लेकिन वो उसके बदले में गंदुम नहीं लेना चाहता, उसको गंदुम की ज़रूरत नहीं है, तो
फिर तो उनकी एक्सचेंज नहीं होगी, बार्टर नहीं होगी। अगर उस ऐसा शख्स है जिसे कपड़ा भी पैदा कर रहा है और उसको गंदम की जरूरत भी है, तो दोनों के दरमियान ट्रेड हो जाएगी, चीजों का एक्सचेंज हो जाएगा। लेकिन अगर वो शख्स कपड़ा लेना नहीं चाहता, तो दोनों के दरमियान ये ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं होगी, अशिया का तबादला नहीं होगा। तो इसी को दो तरफा, जब दोनों की जरूरियात आपस में मुताबकत नहीं रखेंगी, कंसाइड नहीं करेंगी, तो इसको कहते हैं लैक ऑफ कोइंसिडेंस। यानी एक शख्स जो चीज देना चाह रहा है उसे ऐसा, और उसे जिस चीज की जरूरत है उसको ऐसा शख्स मिलना चाहिए जो वो चीज उसकी बनाई हुई ले भी ले, और जो पहले शख्स को जरूरत है वो चीज देने को तैयार भी हो। तो अमूमन ऐसा शख्स ढूंढना मुश्किल होता था। तो ये लैक ऑफ कोइंसिडेंस जो है उसने इंसान को मजबूर किए रखा कोई ऐसी चीज की तलाश करे जिसकी मदद से अशिया का तबादला हो सके। फिर जब अशिया का अशिया से तबादला किया जाता है, तो अब हमें डिसाइड करना होता है ना कि दो चीजें एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करनी है। मसलन गंदुम और कपड़े की एग्जाम्पल ही दोबारा ले लेते हैं। अगर गंदुम या वीट उसने देनी है, तो कितने मॉन्ड के बदले में कितने मीटर कपड़ा खरीद सकता है। इसे कहते हैं वैल्यू डिसाइड करना, उसकी कदरों कीमत डिसाइड करनी कि कितने जो है एक चीज के बदले में दूसरी चीज कितनी मिकदार में उसे मिलनी चाहिए थी। कोई ऐसी चीज नहीं थी, कोई ऐसा यूनिट नहीं था जिसकी मदद से वो इस मुश्किल पर काबू पा लेते, या जो उन्हें अंदाजा होता, वो कभी उसे लगता कि मैं ज्यादा मालियत की चीज दे रहा हूँ, ज्यादा महंगी चीज लगती है मेरी, जबकि वो दूसरे बंदे से ले रहा हूँ वो सस्ती है। तो इस तरह जब मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था, मनी नहीं था, तो ये मुश्तरिक मयारे कदर या कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू जो है ये लैक कर रही थी। तो इस लैकिंग की वजह से मनी की तलाश जो है वो जारी रही, ऐसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज जिसकी मदद से अशिया का तबादला किया जा सके। फिर लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, जखीरा कदर में दिक्कत। बार्टर सिस्टम में क्या था कि अशिया जो है वो यूजुअली पेरिशेबल थी, खराब होने वाली चीजें थी। अमूमन सब्जियां, फ्रूट वगैरह ऐसी ही चीजें होती थी जो कि खराब होने वाली होती हैं, तो उनको फौरी तौर पे कंज्यूम करना पड़ता था, स्टोर नहीं किया जा सकता था, उनका जखीरा नहीं किया जा सकता था। कि जो शख्स जो चीज पैदा करता था उसकी कोशिश होती थी कि सारी चीज बिक जाए, अगर नहीं बिकती तो उसे सारी की सारी जो है वो कंज्यूम करनी पड़ती। तो इस तरह वो उस वैल्यू को स्टोर करके अमीर नहीं बन सकता था, उसकी वो चीज जाया हो जाती थी, उसे हर सूरत वो खर्च करनी पड़ती थी। लेकिन अब चूंकि पैसा इजाद हो चुका है, मनी इजाद हो चुका है, लोग अशिया बेचते हैं और उसकी वैल्यू को स्टोर कर लिया, बैंकों में रख लिया, घरों में रख लिया, या उसकी मदद से कोई और चीज खरीदी। तो इस तरह जखीरा कदर या स्टोर ऑफ वैल्यू बार्टर में मौजूद नहीं थी। पेरिशेबल गुड्स थी, खराब हो जाने वाली होती थी, उनको ज्यादा अरसे के लिए जखीरा नहीं कर सकते थे। तो वो जो वैल्यू उस को ऐड करके वो अपनी वेल्थ को बढ़ा सकता था इंसान, वो चीज पॉसिबल उसके लिए नहीं थी। तो जो होता उसे उसी वक्त खर्च करना पड़ता। तो पहली हमारे प्रॉब्लम थी बार्टर में, दैट इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। देन कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू कोई नहीं था, मुश्तरिक मयारे कदर नहीं था, फिर स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं था बार्टर में। देन कम टू द लैक ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ सर्टन कमोडिटीज, के अशिया जो है वो डिवाइड नहीं हो सकती थी। बाज का एक शख्स के पास ऐसी चीज है जो बड़ा बड़ी सी यूनिट है, और उसे किसी दूसरे शख्स से छोटी यूनिट में चीज लेनी है, तो वो उसको या तो अपनी बड़ी चीज उस बदले में दे दे और उससे छोटी चीज ले ले, तो या अगर वो ऐसा नहीं करना चाहता, वो चाहता कि बड़ी चीज के बदले में उसे ज्यादा चीजें मिले, तो वो अपनी जरूरत पूरी नहीं कर सकता था। मसलन एक शख्स के पास गाय है और इसके बदले में वो गंदम या कपड़ा वगैरह कोई और चीज लेना चाहता है, तो या तो वो पूरी गाय दे, काट के नहीं दे सकता था क्योंकि वो एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता, तो या काट के उसके छोटे टुकड़े करके दे, कोई एक आध पीस दे, लेकिन अगर वो इस पे राजी नहीं होता पूरी गाय दे, तो
तो इस तरह चीजों की जो इनडिविजिबिलिटी थी, उनकी अदम तकसीम पजीरी, वो भी लेन देन में मुश्किल का बाइस बनती थी, एंड इट वॉज अ डिफिकल्ट इन द बार्टर सिस्टम। अब नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, डिफिकल्टीज इन डेफर पेमेंट्स। कुछ चीजें होती हैं जो हम उधार लेते हैं, आज ली है और कुछ अरसे बाद वापस करेंगे। तो अभी तो हम पैसा उधार लेते हैं, जब देने का वक्त आता है उतना पैसा, या ऑलरेडी जो रेट डिसाइड किया होता है हम उतना वापस कर देते हैं। लेकिन बार्टर में चूंकि अशिया उधार ली जाती थी, तो जब वापसी का वक्त आता तो उसमें लोगों के दरमियान जो है मुश्किलात पैदा हो जाती, क्योंकि चीज की वैल्यू में तब्दीली आ चुकी होती, या जो चीज उसने किसी ने उधार ली है वो वापस करता वो उस तरह की ना होती, जैसे किसी ने किसी से गाय उधार ली थी कि मैं तुम्हें वापस कर दूंगा 2 साल बाद। जब वो 2 साल बाद गाय वापस करने आता, कहता मैंने तो तुम्हें व्हाइट दी थी, तुम मुझे ये ब्राउन दे रहे हो, या जो मैंने गाय दी थी वो तो बड़ी मोटी ताजा थी, और जो मुझे आप वापस कर रहे हैं वो तो बहुत कमजोर सी गाय है। तो इस तरह ये उधार लेन देन जो था बार्टर में मुश्किल हो जाता, डेफर्ड पेमेंट्स होती, उनका डिसीजन उनके लिए मुश्किल होता। तो अब मनी ने ये हमारी मुश्किल सॉल्व कर दी है। जब भी कोई किसी से कर्ज लेता है तो वो उसी सूरत में, मनी की सूरत में ही वापस कर देता है। इसका पहले से डिसाइड कर लिया जाता है वो कितनी अशिया वापस करेगा। फिर जब बार्टर में कोई एक जगह से दूसरी जगह चीज ट्रांसफर करनी पड़ती, तो क्या होता कि उसे सारे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना है, तो उस टाइम क्या वेल्थ क्या थी लोगों की, केटल्स थी, सीरियल्स थे, हाउसेस, घर थे, दुकानें थे, फ्रूट वेजिटेबल्स थे। तो अब इतनी ज्यादा क्वांटिटी में चीजें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना बहुत एक्सपेंसिव, इस पे बहुत ज्यादा लागत आती थी, और इतनी चीजों को मूव करना आसान भी नहीं था, रास्ते में खराब होने का अंदेशा। तो इस तरह अभी तो हम पैसा मुंतकिल करते हैं, जस्ट वो फ्यू सेकंड्स में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन उस टाइम ये वेल्थ का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना एक लंबा प्रोसेस था, एक कॉस्टली प्रोसेस था। तो इस प्रोसेस की वजह से भी मनी की तलाश जो है वो जारी रही। फिर कुछ हम सिर्फ चीजें ही नहीं खरीदते, चीजें ही हमारी जरूरत नहीं होती, बल्कि जिंदा रहने के लिए कुछ सर्विसेज या खिदमात की भी जरूरत होती है। तो अब खिदमात का मुआवजा अभी तो हम पैसों की सूरत में दे देते हैं, मसलन डॉक्टर को दिखाया पैसे दे दिए, वकील हायर किया उसको पेमेंट कर दी, कोई टीचर है उसको पेमेंट कर दी, तो इस तरह सर्विसेज के बदले में पैसे दे देते। लेकिन उस वक्त मुश्किल था कि उसको चीजों की शक्ल में कैसे पैसे दें, जैसे अगर किसी बार्बर ने जो है वो एक अपने बच्चे को एक लेडी टीचर से पढ़ाया है, आप टीचर उससे बदले में हेयर कट तो नहीं करवा सकती अगर उसे जरूरत नहीं है, या किसी मोची ने लॉयर की सर्विस, वकील की सर्विस हायर की है, तो वो उसके बदले में जूते जरूरी तो नहीं उसे बना के उस दे, उसे जूतों की फॉर्म में ही उसको मुआवजा चाहिए हो वकील को। तो इस तरह सर्विसेज की पेमेंट, जो खिदमात लोगों से ली जाती थी, उनका मुआवजा अदा करने में भी दिक्कत पेश आती थी। दिस वॉज अनदर डिफिकल्टी विद इन द बार्टर सिस्टम। अब तो ये मुश्किल जो है वो मनी ने सॉल्व कर दी है, किसी से भी कोई हमने सर्विस ली है, खिदमत ली है, उसके बदले में पैसों की शक्ल में हम अदायगी कर देते हैं और सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। फिर कोई भी गवर्नमेंट जब काम करती है, वो उसकी गवर्नमेंट का सिस्टम चलाने के लिए उसको आमदनी की जरूरत होती है, और दैट इज नॉन एज पब्लिक रेवेन्यू, जो टैक्सेस की सूरत में मुख्तलिफ तरीकों से गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा करती है, पब्लिक रेवेन्यू होता है। और इसी तरह गवर्नमेंट पेमेंट्स कर रही होती है, मुख्तलिफ लोगों की तनख्वाहें दे रही होती है, या कोई और अदायगियाँ होती हैं गवर्नमेंट की वो दे रही होती है। तो अब तो ये मनी की सूरत में हो जाती है, लेकिन उस टाइम जो था, अब चीजों की शक्ल में हूँ, सोचें कितना मुश्किल सिस्टम है अगर गवर्नमेंट की टैक्सों के लिए गुड्स वसूल कर रही है, वो चीजें ले रही है, चीजों को लेना, स्टोर करना, उसके लिए अमला, उस चीज की केयर टेकिंग, निगरानी जो है, दैट वाज टू डिफिकल्ट। तो इसी तरह लोगों को जब तनख्वाहें देनी है, सोचें जरा कि गंदुम के लिए लोग गंदुम की सूरत में तनख्वाह मिल रही है, या चावलों की सूरत में मिल रही है, कपड़े, दैट वाज टू डिफिकल्ट सिस्टम। इस के लोगों की जो गवर्नमेंट की वसूलियां हैं
और गवर्नमेंट की अदायगियां हैं, दोनों सिलसिले में पैसे की अदम मौजूदगी में सिस्टम जो था वो बड़ा मुश्किल था। तो ये एक रीजन थी कि इन सर्च ऑफ गुड मनी जो है वो हमेशा इंसान रहा है। तो यही मुश्किलात बार्टर की जो थी, इन्हीं की वजह से इंसान को एक ऐसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज की जरूरत थी जिसकी मदद से वो अशिया का तबादला अशिया से करने की बजाय उसके बदले में वो यूनिट दे दे, ऐसा मीडियम जो दे दे जो हर किसी के लिए एक्सेप्टेबल हो, काबिले कबूल हो और वो पॉपुलर भी हो, ताकि लोग उसके बदले में अपनी अशिया दे दें। अब ये मुश्किल जो है मनी की मदद से काबू पा ली। हमने कोई भी चीज लेनी हो उसके बदले हमें हमें कोई चीज देने की जरूरत नहीं है, वी जस्ट पे मनी और उसकी प्राइस पे करते हैं, चीज ले लेते हैं। इस तरह वो पैसे वसूल करने वाला अपनी मर्जी की जो चीजें उसे चाहिए होती हैं वो हासिल कर लेता है। तो इस तरह मनी ने इस मुश्किल को सॉल्व कर दिया है। बार्टर का निजाम ने जिंदगी को काफी मुश्किल रखा हुआ था, लेकिन मनी की इजाद की वजह से ये जो है काफी आसानी पैदा हो गई है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा आज का लेक्चर। आसान था, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। इसी को आगे लेके हम मनी की जो है आगे एवोल्यूशन, कैसे मनी इजाद हुआ, नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टडी करेंगे और उस सारा सिस्टम। तो ये बार्टर की डिफिकल्टीज पे जो कवर कर लेता है और मनी होता क्या है, वो कैसे मौजूदा फॉर्म में आया, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।